पुणे के मैदान पर बल्लेबाजों के कमाल के बाद आवेश खान और जेसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और मुकाबला जीत लिया है। शनिवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले को 75 रन के बड़े अंतर से जीत लखनऊ की टीम आईपीएल 2022 की पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। इस मैच में लखनऊ के लिए बल्ले से क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा और मार्कस स्टोइनिस ने अहम पारियां खेली। इसके बाद गेंदबाजी में आवेश खान और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकालकर मैच को आसानी से कोलकाता से छीन लिया। इस मैच में जीत के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि पूरे मैच पर उनकी टीम का दबदबा रहा। राहुल ने कहा, हमने पूरे मैच पर दबदबा बनाए रखा, रनआउट को छोड़ दें तो अच्छी शुरुआत की। हमने सोचा था कि विकेट स्लो है और 155 पार स्कोर होगा, लेकिन क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा और स्टोइनिस ने इसे 170 के पार पहुंचा दिया। राहुल ने अपने गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, अच्छी स्किल्स होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर की स्थिति में सामने कौन खेल रहा है उससे बिना डरे अपनी बेस्ट गेंदबाजी करना सराहनीय है। हमने मुकाबले से पहले कुछ प्लान्स बनाए थे और अच्छी बात यह है कि हम प्रेशर की स्थिति में भी उन प्लान्स पर अमल करते रहे। ऐसे में अगर आप रन्स के लिए जाते भी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कप्तान केएल राहुल के बाद टीम के स्टार आवेश खान ने कहा, जिस तरह से आंद्रे रसल बल्लेबाजी कर रहे थे, मेरी कोशिश उन्हें आउट करने की थी। मेरी कोशिश सिर्फ उन्हें हार्ड लेंथ फेंकने की थी, फिर चाहे उस पर छक्का ही क्यों ना चला जाए। मेरे लिए तो तीनों विकेट्स में उनका विकेट सबसे ऊपर है। आवेश ने आगे बताया कि उनके पापा और कोच ने उनकी किस तरह से मदद की। आवेश ने कहा, मैं एक वक्त पर सिर्फ एक गेंद पर ध्यान दे रहा था। मेरे अब्बा और कोच ने मुझे विकेट्स चटकाने और टीम की जीत में मदद करने के लिए प्रेरित किया। राहुल और आवेश के अलावा कोलकाता टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपनी बात रखी। श्रेयस अय्यर ने कहा, उन्होंने हमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों जगह पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी की, बल्ले से भी बेहतरीन शुरुआत की। हमने मिडिल ओवर्स में वापसी की कोशिश की, लेकिन डेथ ओवर्स में उन्होंने फिर से हमसे मैच छीन लिया। श्रेयस ने आगे ये भी कहा कि विकेट को पढ़ पाना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, विकेट को पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए हमने गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमने पाया कि गेंद रुक रही है और पिच पर दोहरी गति है। ये 155-160 वाला विकेट था, लेकिन वो उससे ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो गए। मैं और ब्रेंडन मैकलम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि टॉस पर क्या करना चाहिए। कभी कभी टॉस हारना अच्छा होता है, लेकिन मैं टॉस जीत गया। उन्होंने आगे अपनी टीम की कमियां बताई और कहा, हमने बेसिक्स पर काम नहीं किया, हमें पावर प्ले और डेथ ओवर्स में सुधार करना होगा। उम्मीद है हम अगली बार इससे बेहतर कर पाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ 4 में जीत मिली है और वो पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।